नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में सामाजिक कार्य करने के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की नज़र जो है वो अब बिहार पर सीधे तौर पर पड़ गई है। हाल ही में वो पूर्णिया के दौरे पर आए थे बिहार, और अब शिक्षा की अलख जगाएंगे सोनू सूद पूरे बिहार भर में। क्या है पूरी खबर, हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। सोनू सूद ने हाल ही में बिहार के कटिहार के एक इंजीनियर से मुलाकात की, जिसने अपनी नौकरी छोड़कर अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उसका नाम अभिनेता के नाम पर रखा। सोनू इस स्कूल के लिए नई बिल्डिंग और वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। सोनू सूद के इस कदम से कटिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोनू सूद की इस पहल से जिले के हजारों बच्चों को ऊंची और अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। इस साल फरवरी में सोनू सूद को 27 वर्षीय इंजीनियर वीरेंद्र कुमार महतो के बारे में पता चला। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने इसका नाम अभिनेता के नाम पर रखा। 110 बच्चों को मुफ्त शिक्षा भोजन प्रदान करने के लिए महतो के प्रयास से प्रेरित होकर सोनू सूद ने उनसे स्कूल में मुलाकात की, जो शेल्टर होम के रूप में भी काम करता है। एक्टर ने महतो के साथ राशन से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अमीर और गरीब के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए जागरूकता पैदा करने तक स्कूल की ज़रूरतों को समझने के लिए समय बिताया। दिन के अंत तक सोनू ने स्कूल के लिए नई बिल्डिंग पर काम किया, ताकि यह और अधिक वंचित बच्चों को घर दे सके और यह सुनिश्चित कर सके कि हर बच्चे के लिए भोजन जो है वो हो। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना गरीबी का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। हमारा उद्देश्य समाज के हाशिए के पर पड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि उनके पास नौकरी के अवसरों का बेहतर अवसर हो। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहलू पोषण और समग्र कल्याण है, क्योंकि यह स्कूल का एक रैन बसेरा भी है। अभिनेता वर्तमान में देश भर में करीब 10,000 बच्चों को शिक्षा प्रदान जो है वो कर रहे हैं। सोनू सूद भले ही अभिनेता हों, लेकिन लगातार जब भी उनसे कोई मदद की दरकार होती है लोगों को, वो हर संभव कोशिश करते हैं, भरकस कोशिश करते हैं कि वो लोगों की मदद कर सके, और साथ ही गरीब बच्चों को मदद भी करते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके और पढ़ लिख कर कुछ बन सके। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।